बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बारबेक्यू। बहुत मज़े की बनाएंगे, बहुत अच्छी बनाएंगे। सबसे पहले ये हमारे पास 2 किलो बीफ का गोश्त है। इसके हमने इस तरह की बोटियाँ करके इसको हमने ना 10 मिनट पहले ना हमने इसको सिरके के पानी में रख लिया ताकि इसकी अच्छी ये स्मेल वगैरह दूर हो जाए। अब हमारे पास 1 प्याली है ना दही है, इसको हम इसमें शामिल करेंगे। 1.5 चम्मच लहसुन अदरक पिसा हुआ, 2 चम्मच हरी मिर्चे को हमने बारीक मोटा मोटा पीस लिया। यह हमारे पास तिक्का मसाला है, यह हम इसमें शामिल कर देंगे। ये 2.5 चम्मच लिए हमने इसमें। 1.5 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चे, 1.5 चम्मच कचरी पाउडर, 2 चम्मच ये सूखा धनिया को हमने हल्का सा भून के इसको हमने इस तरह मोटा मोटा कूट लिया, 1.5 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच हमारे पास है ना नमक है, और कम ज़्यादा हो तो आप कर सकते हैं, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच भुना हुआ जीरा को हमने ना थोड़ा सा भून के इसको मोटा मोटा कूट लिया था। और ये हमारे पास ना वाइट ना मिर्चे है, ये इसको पीस के 1 चम्मच हमने ये ले लिया। वाइट मिर्ची डालेंगे हम, आप लोग काली भी डाल सकते हैं, मर्जी है। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। ये हमने हमारे सारी बोटियों पे मसाला लगा लिया है। अब हम कम से कम इसको 10 से 15 मिनट रखेंगे। अगर आप लोग चाहे तो 1 घंटे भी रख सकते हैं, लेकिन हम इसको 10 मिनट ही रखेंगे, जब तक है ना इंतज़ार करते हैं। ये हमारे 10 मिनट हो गए, और अब हमने ना ये हमारी सारी बोटियाँ है ना हम कढ़ाई में डाल के कम से कम 1 से 2 गिलास पानी डाल के इसको हम चढ़ा देते चूल्हे पर, जब तक हम इंतज़ार करते हैं। ये हमारी बोटियाँ है ना अच्छी तरह इसको भी हम गला लेते, कम से कम अब चूल्हा हल्का कर देते, पकने लग गई है। चूल्हा हल्का कर कम से कम 40 से 45 मिनट हम इसको पकाएंगे। जब ये बोटियाँ गल जाए ना उसके बाद है ना हम आपसे मिलते, जब तक इंतज़ार करते। ये हमारे 40 से 45 मिनट हो गए और हमारा गोश्त अच्छी तरह बीफ गल गया है। अब इसमें ना हम 1 चम्मच चना का बदले छोटी चम्मच कलर डाल देंगे। अब हम इसको ना अच्छी तरह पानी थोड़ा सा ही इसको बिल्कुल खुशक कर लेते, कम से कम 5 मिनट लगेंगे जब तक इंतज़ार करते। ये हमने बिल्कुल हमारा पानी बिल्कुल खुशक हो गया, ये देखें माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह मसाला बोटियों पे अच्छी तरह लग गया। अभी हम इस तरह एक करके ये देखें चूल्हा हमने बंद कर दिया, 1 प्याली रखी है हमने ये। अभी हम कोयले का धुआं लगा देते हैं इसी के अंदर, ये देखें हमने ढक्कन रख दिया। ये हमारे 5 मिनट हो गए और अच्छी तरह ये देखिए धुआं माशाल्लाह से अच्छी तरह धुआं इसमें लग गया है। बस अब हम ना कोयला निकाल देते, अब हम ना इसको थोड़ा सा ठंडा होने का इंतजार करेंगे। जब ठंडा होता है फिर उसके बाद हम ना इसको सीको पे लगाएंगे, फिर उसके बाद हम आपको आगे बताते हैं। ये हमारी सीख बोटियाँ बिल्कुल ठंडी हो गई है, अब हम इसको ना ये इस पे सीख पे लगाएंगे, इस तरह करके ना इस तरह हम इसको सीख पे लगा देंगे। मर्जी आप लोग कितने भी लगाए, ऐसे एक एक करके सीख पे लगा देते हैं। ये हमने हमारी सारी ये सीखे इस तरह हमारा सीकों पे बोटियाँ लगा देंगे, सारी हम इस तरह लगा लेते हैं।
ये हमने हमारी सारी ना सीख बोटी लगा दी। अब हम इस पे ना इस तरह का एक एक चूल्हे पे ना इस तरह रख लेंगे आराम आराम से। ये देखिए ये हमने लगा दिया चूल्हा, थोड़ा सा हल्का कर देते। ये देखिए चूल्हा थोड़ा सा हमने हल्का करा। ये हमने ऑयल लिया और ये ऑयल की मदद से ना हम हल्का हल्का सा ना इस पे हम इस तरह लगाएंगे। ये बहुत मज़े की है, बहुत मज़े की बनने वाली रेसिपी है, बहुत आसान करके बताऊंगी। माशाल्लाह से देखिए ये हल्का हल्का सा ऑयल लगा लिया। अगर आप लोगों के पास छलनी वगैरह है वो भी रख सकते हैं आप इसके ऊपर। ये देखिए एक तरफ ही हमने थोड़ा सा ऑयल लगाया, एक तरफ हम दूसरी तरफ लगा देंगे। ये देखिए बस, ये देखिए माशाल्लाह से, माशाल्लाह से बहुत मज़े की। ये देखिए बस सिर्फ हम 5 मिनट लगाएंगे बस। अब चूल्हा हम बंद कर देते। ये हमारे हो गए। अब इसमें थोड़ा सा एक तरफ ऑयल लगा दिया, दूसरी तरफ ऑयल लगा दिया, चूल्हा बंद कर दिया बस। अब हम इसे ना डिश आउट कर लेते। ये ट्रे ली हमने, ये ट्रे ली और ये हमने ना खीरा है ना इस तरह कटिंग कर लिया। इस तरह कटिंग करके खीरे को इस तरह दूर दूर ना दूर दूर लगा दिया। ये देखिए अभी हमारी सीखों को ना हम इस तरह लगा देंगे। ये देखिए ये हमारी सीख बोटी बारबेक्यू बिल्कुल तैयार हो गई है। आप पूरी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं। बहुत आसान करके बताया गया है, बहुत आसान करके समझाया गया है। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करना। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ो अमाल में रखे। आमीन सुम्मा आमीन।